बहुत ही एक्सीलेंट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में कह रहा है दैट वी हैव थ्री आइडेंटिकल बार मैग्नेट्स दैट आर राइवेटेड टुगेदर एट द सेंटर इन द सेम प्लेन एज शोन इन फिगर 5.1। ये री फिगर। तो एक मैग्नेट जिसकी मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट या पोल्स शो किए हुए हैं, साउथ पोल इधर है और उसका नॉर्थ पोल इधर है, तो उसको आप ऐसे समझें कि ये एक मैग्नेट है, ठीक है, ये दूसरा मैग्नेट है, ये वाला, ये दूसरा मैग्नेट है, ठीक है, और ये वाला जो मैग्नेट है ये तीसरा मैग्नेट है, ठीक है। दे आर राइवेटेड टुगेदर और इनको एक ही प्लेन में रखा है। फिर कह रहा है दिस सिस्टम इज प्लेस्ड एट रेस्ट इन स्लोली वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड। इसको आपने रेस्ट पे रखा है, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगा हुआ है इस सिस्टम के ऊपर जो कि धीरे धीरे चेंज हो रहा है, ठीक है। इट इज फाउंड दैट द सिस्टम ऑफ मैग्नेट्स डज नॉट शो एनी मोशन, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज करने के बावजूद भी यहां पे कोई मोशन शो नहीं हो रहा, मतलब क्या, नो ट्रांसलेशन, कोई ट्रांसलेशन शो नहीं हो रही है, नो रोटेशन, ठीक है, देयर इज नो रोटेशन नो ट्रांसलेशन, मतलब नेट सम ऑफ टॉर्क्स और नेट सम ऑफ फोर्स दोनों जीरो हैं यहां पे, मतलब ये इक्विलिब्रियम में है, क्लियर। द नॉर्थ साउथ पोल्स ऑफ वन मैग्नेट इज शोन इन दिस फिगर, डिटरमाइन द पोल्स ऑफ द रिमेनिंग टू। एक के तो नॉर्थ और साउथ पोल शो कर रखे हैं, दूसरों के यहां जो क्वेश्चन मार्क डाल रखे हैं यहां पे पोलैरिटी शो करनी है, ठीक है। तो ये कंडीशन तभी पॉसिबल है एक्सटर्नल फील्ड के अंदर जब इस पूरे सिस्टम की जो टोटल मैग्नेटिक मोमेंट है, लेट द टोटल मैग्नेटिक मोमेंट, टोटल मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो जीरो हो जाए, ठीक है। ये सारा सिस्टम इस तरह से हो कि इसकी जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट है वो जीरो हो जाए। तो मैग्नेटिक मोमेंट जीरो का मतलब क्या है, इस मैग्नेट का जो ये गिवन मैग्नेट है, इस मैग्नेट की मैग्नेटिक मोमेंट तो होगी इस डायरेक्शन में, क्योंकि मैग्नेट के अंदर मैग्नेटिक मोमेंट के डायरेक्शन क्या है, साउथ टू नॉर्थ, ठीक। और यहां पे 60 डिग्री एंगल दिखा रखा है, यहां पे भी 60 डिग्री एंगल दिखा रखा है, ठीक है। तो इसकी नेट मैग्नेटिक मोमेंट तभी जीरो हो सकती है जब ये साउथ पोल हो, ये नॉर्थ हो, ये साउथ हो और ये नॉर्थ हो, ताकि इन दोनों की जो डायपोल मोमेंट है, इन दोनों की जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है, इन दोनों के बीच में टोटल एंगल क्या हो, 120 डिग्री। जब ये एंगल 120 डिग्री होगा और ये तीनों मैग्नेट्स आइडेंटिकल हैं, तो अगर इसकी मैग्नेटिक मोमेंट एम है, इसकी भी एम ही होगी, इसकी भी एम, तो कोई दो वेक्टर्स जिन दोनों के अंदर एंगल 120 डिग्री हो, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो, तो उनका रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट भी, मतलब उनकी वैल्यू वही वेक्टर आती है, ठीक है। तो ये यहां आएगा और बाइसेक्टर पे, तो ये एम नेट रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट इन दोनों की इससे इक्वल और अपोजिट हो गई, तो यहां पे नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्या हो गई, जीरो। तो इसके अकॉर्डिंग, इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग, इसका साउथ नॉर्थ, साउथ और नॉर्थ, ये सिचुएशन होगी, तो ये इस सिचुएशन को सेटिस्फाई करेंगे।